हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी हमने स्ट्रोक्स बनानी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इसके स्ट्रोक्स बनाते जाएंगे जल्दी जल्दी और सीखते जाएंगे हाउ टू मेक स्ट्रोक्स। ओके, तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पैच। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रोक्स की कौन सी स्ट्रोक्स की साउंड आ रही है। तो पैच इसमें पी और चे की स्ट्रोक्स की साउंड आ रही है, और जो वोवल की साउंड आ रही है दैट इज आ, पा, पैच। ठीक है, तो जो ए का वोवल है, दिस इज द शॉर्ट वोवल, ये जो वोवल है फर्स्ट प्लेस का वोवल है, और इसमें जो स्ट्रोक बनती है वो अबव द लाइन बनती है। ठीक है, तो पैच हम डालेंगे। ये हमारे पास आ गया पी, पी एंड चे, दिस इज, और ये जो वोवल है दैट इज अ, ये फर्स्ट प्लेस का वोवल है, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे ये लाइट डॉट हम लगा देंगे, दिस इज पैच। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो वोवल है ये फर्स्ट प्लेस का वोवल है, अबव द लाइन इसकी स्ट्रोक बनती है, तो ये कटिंग लाइन कैसे जा रही है। जब भी हम स्ट्रोक बनाते हैं तो हम बिना पेन को लिफ्ट किए बनाते हैं। पहली जो स्ट्रोक हमारी पी बनी है वो अबव द लाइन ही बनी है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बैच। ठीक है, इसमें भी सेम है, पी जो होता है वो लाइट होता है, अब जो बी होता है वो डार्क होता है, बाकी वोवल सेम है, बनेगा सेम। ठीक है, तो बैच आप लोग पेंसिल से प्रैक्टिस करें तभी आपको लाइट एंड डार्क का पता लग पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फैनी। इसमें भी आ का स्ट्रोक है जो फर्स्ट प्लेस का वोवल है, तो दिस इज एफ एंड एन, दिस इज फैनी, एंड में जो एन के बाद जो साउंड आ रहा है वो ई का भी आ रहा है, छोटी ई का, यानी कि आई का वोवल। तो नी एन के बाद थर्ड प्लेस का वोवल होता है, तो थर्ड प्लेस पे ई का वोवल हम लगा देंगे, दैट इज फैनी। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉप। इसमें ओ का वोवल है, शॉर्ट वोवल्स में से जो पहला वोवल होता है डैश वाला ओ, इसमें वो है, तो ये भी अबव द लाइन ही स्ट्रोक बनती है, फर्स्ट प्लेस का वोवल होता है शॉप। ठीक है, शॉडी, इसमें भी सेम है, दिस इज इश एंड डी, शॉ डी, एंड में ई की साउंड भी आ रही है, यानी कि आई का वोवल है, तो थर्ड प्लेस पे ये लग जाएगा, दिस इज शॉ डी। नेक्स्ट इज जॉली। जॉली में भी ओ का वोवल है, इसमें भी जो स्ट्रोक बनती है वो अबव द लाइन बनती है। ये स्ट्रोक्स कटिंग लाइन इसीलिए बन रही हैं बिकॉज जो पहली हम बना रहे हैं वो अबव द लाइन ही बना रहे हैं, अब जब इसको हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जॉली। इसमें जे और एल की साउंड आ रही है, जे एंड एल, तो फर्स्ट प्लेस का वोवल यहां लग गया ओ का, दिस इज जॉली, जॉली। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड। इसमें ए की साउंड आ रही है, जो वोवल है वो ए है, दिस इज द लॉन्ग वोवल, सेकंड प्लेस का जो वोवल है ए। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रोक बनती है वो ऑन द लाइन बनती है, तो पेड डार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज, पेज। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्ट्रोक्स लर्न करी हैं तो आपको इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज बेक, दिस बेक, ए का जो वोवल है वही चल रहा है, सेकंड प्लेस का वोवल एंड जो स्ट्रोक बनती है वो ऑन द लाइन बनती है। बैक, इसमें ई का वोवल आ रहा है, शॉर्ट वोवल्स में से जो सेकंड वोवल है ई का वो आ रहा है इसमें बैक, और जो ये बनता है वो लाइट डॉट से बनता है। ठीक है, बैक, जेल, इसमें अगेन ई का वोवल आ रहा है, डार्क लॉन्ग वोवल्स में से डार्क डॉट डलेगा,
जेल जेली, इसमें भी ई का वॉवल आ रहा है नेक्स्ट में, जेली में शॉर्ट वॉवल जेली, ठीक है जेली जेली, एल के बाद आई का वॉवल भी आ रहा है तो जेली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लीप, इसमें ई की साउंड आ रही है लंबी ई, यानी कि लॉन्ग वॉवल्स में से जो थर्ड हमारे पास वॉवल है ई, उसकी साउंड इसमें आ रही है, तो उसमें जो स्ट्रोक बनती है वो कटिंग लाइन बनती है, ठीक है। तो इसमें दिस इज एल एंड पी, तो ये थर्ड प्लेस का वॉवल है जो यहां बनना था। एक रूल मैंने आपको बताया था जिसमें थर्ड प्लेस का वॉवल जब दो स्ट्रोक्स जॉइन हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्ट्रोक पे बनता है, तो ये नेक्स्ट स्ट्रोक के यहां पे आ जाएगा डार्क में लीप, ठीक है। लिप, इसमें आई का है स्मॉल शॉर्ट वॉवल्स का आई, तो ये लाइट में डलेगा, ठीक है। लिप, लीव एल एंड वी, लॉन्ग वॉवल है ई का लीव। लिव स्मॉल शॉर्ट वॉवल का आई, डार्क लाइट डलेगा, ठीक है वॉवल लिप लिव। देन नेक्स्ट इज लीड, ये भी कटिंग बनेगा क्योंकि इसमें भी जो वॉवल है वो ई का आ रहा है, लॉन्ग वॉवल थर्ड प्लेस का वॉवल, और जो स्ट्रोक बनेगी वो कटिंग लाइन बनेगी, तो लीड। लिड, इसमें लाइट शॉर्ट वॉवल है। नेव, नेव नेव में ए की साउंड आ रही है, यानी कि ए का ए वॉवल है लॉन्ग वॉवल सेकेंड वॉवल, इसमें जो स्ट्रोक बनती है वो ऑन द लाइन बनती है, तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो ये कटिंग लाइन चली जाएगी, तो ये गलत है, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करेंगे, इसको ऑन द लाइन खत्म करेंगे, ये आ जाएगी नेव, ठीक है। नेव के बाद हमारे पास आ गया नेवी, ने वी एंड में आएगा साउंड, ठीक है ने वी, ठीक है। एनफ, एन एंड एफ, यहां पे ई का वॉवल, यहां पे यू का वॉवल, एनफ, ठीक है। बेल, बेल में ए का साउंड आ रहा है लॉन्ग वॉवल ए, सेकेंड प्लेस का वॉवल है बेल, बेल। बेल, इसमें ई का साउंड आ रहा है, तो इसमें जो वॉवल होगा वो शॉर्ट होगा और जो साउंड आएगी वो लाइट साउंड आएगी। बेल, बेलो, नेक्स्ट इज मे, एम एंड दिस इज द वॉवल ए मे। नेक्स्ट इज मेक, ओके। नेम, एन एंड एम और ए का वॉवल नेम, नेम ली एन एम एंड एल, नेम ली, एल के बाद आई का साउंड आ रहा है तो नेम ली, ठीक है। कॉम, अब कॉम जो है जब हम इसको प्रनाउंस करते हैं हम स्ट्रोक किस बेसिस पे बनाते हैं, जो आवाज हमें आती है, जो आवाज हमें सुनाई देती है, तो जब हम कॉम को प्रनाउंस करते हैं तो हम कॉम्ब नहीं बोलते, हम बोलते हैं कॉम, ठीक है। तो ये इसमें जो स्ट्रोक बनेगी, दिस इज के एंड एम तो ओ कॉम, ठीक है। मनी, दिस इज एम एंड एन, मनी ओ का जो म एम के बाद जो साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है, यानी कि शॉर्ट वॉवल्स में से जो यू है वॉवल उसमें ओ का साउंड आता है, तो वो वाला वॉवल यहां यूज है म नी मनी। एंड में भी जो आई वॉवल है उसका साउंड आ रहा है तो मनी, एंड में हम लाइट शॉर्ट वॉवल आई का लगा देंगे। नेक्स्ट इज फीड, फीड, फीड में ई का जो साउंड है वो आ रहा है, यानी कि लॉन्ग वॉवल का कटिंग लाइन स्ट्रोक जाएगी फीड। फूड, फूड में ऊ का आ रहा है लॉन्ग वॉवल्स में से जो लास्ट वॉवल है ऊ,
जिसको हम डैश से डालते हैं तो ये उसका साउंड आ रहा है. नेक्स्ट इज शीप, इश एंड पी, तो शीप, ई का लॉन्ग वॉवल ई, शीप. शिप, इसमें शॉर्ट वॉवल, शिप में शॉर्ट वॉवल आई का साउंड आ रहा है, दैट इज शिप. लूम, एल एंड एम, वॉवल ऊ, लूम. लिम, लिम में भी जो बी है वो साइलेंट है क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम लिम्ब नहीं बोलेंगे, लिम, ठीक है. तो दिस इज एल एंड एम, फर्क इतना कि जो आई शॉर्ट वॉवल डलेगा और लाइट डलेगा, दिस इज लिम. दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो. अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.